देखो माइग्रेशन, माइग्रेशन पहले समझ लो माइग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले देखोगे कि गर्मी के दिनों में, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बिहार में हैं, जब गर्मी का दिन आता होगा तो हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर हम लोग को क्या लगता है कि अगर बिहार में गर्मी है तो कुछ उस तरह के एरिया में चलो जहां पर मौसम ठंडा है, गर्मी का मौसम। उसी तरह से अगर ठंड का मौसम आता है तो मन करता है मूव करके कुछ उस एरिया में चलो जहां मौसम गर्म हो, है ना। तो हम लोग भी देखते हो ना कि गर्मी के मौसम में हम लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं और ठंड के मौसम में हम लोग जो कोस्टल एरिया होता है, समुद्री किनारा होता है, वहां पे जाते हैं। सेम वो हमारे साथ तो होता ही है। अब सोचो कि जो बर्ड्स, अच्छा अगर गर्मी आता है तो हम लोग अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे घर में पंखा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, कूलर है और बहुत कुछ। हम लोग अपना घर भी कुछ ऐसा बना लिए है कि जो हमको गर्मी से बचा सकता है। लेकिन सोचो उन पंछियों का या उन बर्ड्स का या बहुत सारे उन एनिमल्स का क्या होता होगा जिनके पास इस तरह की कोई सुविधा या फैसिलिटी नहीं है जिनसे वो अपने आप को गर्मी से बचा सके या ठंड से बचा सके। गर्मी से भी बचना है या तो ठंड से बचना, तो उनके पास क्या उपाय है। वो अपने घर में एसी, कूलर, फ्रिज ये सब नहीं लगा सकता, वो अपना घर वैसा नहीं बना सकता कि जिससे वो गर्मी से बच सके या ठंडा से बच सके। तो फिर वो क्या करेगा, तो उस केस में क्या करता है कि जो बर्ड्स होता है वो अपने जगह से उड़ करके उस एरिया में जाता है जहां पे उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट। जैसे मान लो कि साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है तो जो साइबेरियन क्रेन होता है मूव करके इंडिया चला आता है, जैसे ही ठंडा कम होता है फिर वापस मुड़ करके साइबेरिया चला जाता है। तो जब कोई बर्ड्स या कोई भी एनिमल्स अपना एरिया मूव करके किसी दूसरे एरिया में जाता है क्लाइमेट के चेंज होने के कारण, वेदर के चेंज होने के कारण, तो उसी को कहते हैं हम लोग माइग्रेशन। माइग्रेशन जो होता है सीजनल होता है, मतलब कि एक बार मान लो बर्ड्स उड़ा साइबेरिया से इंडिया गया तो मौसम जब यहाँ पे गर्म हो जाएगा तो वापस उड़ के वो कहाँ जाएगा, साइबेरिया। वैसे ही माइग्रेट बहुत सारे ह्यूमन बीइंग को देखोगे, जो लोग खास करके जो लोग भेड़ उड़ पालता है तो भेड़ लोग पालता है, वो भी माइग्रेट करते रहता है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी मौसम के हिसाब से। तो माइग्रेशन समझ में आया कि माइग्रेशन क्या होता है। तो माइग्रेशन क्या होता है कि कोई भी बर्ड्स या कोई भी एनिमल एक जगह से मूव जाकर के दूसरे जगह जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द वेदर। अगर मान लो कि उसके फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो उस कारण से वो एक जगह से मूव करके किसी दूसरी जगह पे चला जाता है। जब उसके अकॉर्डिंग मौसम हो जाता है तो फिर वापस उस जगह पे आ जाता है। और उसका एग्जाम्पल है तुम्हारा साइबेरियन क्रेन। आपका उसके अंदर बॉडी कवर, बहुत सारे एनिमल्स को देखोगे तो उसका बॉडी जो होता है कवर होता है, कुछ का बॉडी स्केल से कवर होता है, कुछ का सेल से, कुछ का फीदर से। फिश का पूरा बॉडी देखोगे तो फिश का पूरा बॉडी स्केल से कवर होता है। स्केल जो होता है स्पाइनी होता है, कटीला टाइप होता है और पूरे बॉडी में होता है। तो फिश का जो पूरा बॉडी होता है वो स्केल से कवर होता है। अब ये क्या काम करता है, इस स्केल्स का क्या काम होता है, देखो द बॉडी ऑफ फिश एंड रेप्टाइल कवर्ड विद द स्केल। सम एग्जांपल आर स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल एंड टर्टल। द स्केल ऑन द बॉडी ऑफ फिश आर फ्लेक्सिबल, ओवरलैपिंग एंड वाटरप्रूफ। ये फ्लैक्सिबल होता है, फ्लैक्सिबल मतलब लचीला होता है, वाटरप्रूफ होता है मतलब इसको पानी से प्रोटेक्ट करता है। और उसके अलावा क्या होता है, ओवरलैपिंग करता है। ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे कि मछली का स्केल को देखोगे तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रहता है, ओवरलैप किया रहता है। द स्केल ऑन द बॉडी ऑफ रेप्टाइल आर हॉर्नी, हॉर्नी मतलब कि कटीला होता है, देखोगे ना कटीला टाइप का होता है इसका स्केल। उसके आता है सेल, बहुत सारे एनिमल के हार्ड सेल्स होता है, बताओ कुछ ऐसा एनिमल, टर्टल और स्नेल। तो उसका एक क्या होता है कि वो हार्ड कवर रहता है जिसको हम लोग सेल कहते हैं।
सेल क्या करता है कि उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एनिमी। देखो ना कछुआ को क्या होता है कि कभी भी कोई दुश्मन आता है उसको मारने की कोशिश करता है तो अपने पूरे शरीर को उस सेल के अंदर घुसा लेता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एनिमी। उसके अलावा उसको वेदर से भी प्रोटेक्ट करता है, अगर मौसम मान ले बहुत ठंडा या गर्मी है तो उससे भी उसको बचाता है, ठीक है। उसके आता है फीदर, फीदर मतलब तो पंख, पंख किसका होता है तो बर्ड्स का, बर्ड हैव अ फीदर। फीदर का दो काम होता है, पहला तो अगर ठंड का मौसम है तो ठंड कोल्ड क्लाइमेट से उसको बचाता है, दूसरा ये उसको उड़ने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्या सीखे, अभी सीखे माइग्रेशन। तो माइग्रेशन आपको हम क्या बताएं कि सिंपल सा क्या होता है कि मैंने पहले बताया तो हम लोग में भी माइग्रेट करते हैं कि अगर गर्मी का मौसम आता है तो हम लोग उस एरिया में मूव करके जाते हैं जहाँ पे ठंडा मौसम है, और ठंडा मौसम आता है तो हम लोग उस एरिया में मूव करना चाहते हैं जहाँ पे गर्मी है। तो अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में जाना ही माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है। और उसी तरीके से बहुत सारे बर्ड्स इंसेक्ट्स, अभी जैसे कि तुम देखो ग्रास हॉपर, टिड्डा नाम सुनिए ना, पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आ गया, इंडिया से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से माइग्रेट करके चला जाएगा बिहार, माइग्रेट करते रहेगा। और ये करीब करीब साइबेरियन क्रेन को तो देखोगे तो साइबेरिया, साइबेरिया तुमको समझ लो रशिया के पास है, करीब करीब यहाँ से हजारों हजार किलोमीटर दूर वहां से उड़ते हुए इंडिया तक चला आता है। जो बर्ड अपना एरिया छोड़ के किसी दूर दराज एरिया में जाता है उसको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही उनके अकॉर्डिंग फिर कंडीशन आता है फिर वो वापस अपने जगह पे लौट जाते हैं। फिर उसी से सम ईल स्विच फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सॉल्टी वाटर ऑपोजिट। देखो इसमें कुछ इल्स, इल्स एक मछली है, इसमें क्या होता है ना कि सम ईल स्विच फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सॉल्टी वाटर, वो फ्रेश वाटर से सॉल्टी वाटर में जाता है जब कभी भी उसको अंडा देना रहता है, और अंडा देने के बाद फिर सॉल्टी वाटर से वापस कहाँ आ जाएगा, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर हो गया आपका रिवर और सॉल्टी वाटर हो गया आपका समुद्र, ठीक है। मोनार्की बटरफ्लाई माइग्रेट टू मैक्सिको फ्रॉम कनाडा इन विंटर। ये एक बटरफ्लाई है जो मैक्सिको से कनाडा मूव करता है आपको विंटर के सीजन में। साइबेरियन क्रेन के बारे में आपको बता ही है। द आर्कटिक टर्म मेक्स द लार्जर माइग्रेटरी एवरी ईयर इन द विंटर फ्रॉम आर्कटिक टू द अंटार्कटिक वेयर इट इज समर। When it is winter, the Antarctic they return back to the Arctic. Such birds are called migratory birds. Clear है? तो इस तरह से आपका chapter over हो गया। इसका question answer तुम लोग complete कर लोगे। अच्छा एक और दिया हुआ last में fur and wool। बहुत सारे animal के देखोगे कि शरीर के ऊपर fur होता है। Fur मतलब बाल कहते हैं। Just like आप sheep को देखिए या yak को देखो, तो उसके शरीर में क्या होता है? Fur होता है, बाल होता है ना? और उस फर का हम लोग यूज कहां पे करते हैं? ऊन बनाने में। सिर का जो भेड़ का जो बाल होता है उस बाल का हम लोग क्या यूज करते हैं? उससे हम ऊन बनाते हैं। तो द बॉडी ऑफ पोलर बियर एंड आर्कटिक फॉक्स आर कवर्ड विद अ थिक फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। ऐसे देखो कि जो जानवर ठंडे जगह पर रहता है चाहे बर्फीला जगह पर रहता है तो उसके शरीर पर सबसे ज्यादा फर होता है और वो उसको ठंड से बचाता है, ठीक है। द बॉडी ऑफ अ सीप कवर्ड विथ अ वूल, द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग है बॉडी हेयर। हमारे शरीर में भी देखोगे ना तो बाल होगा, है ना। तो वैसे जो जितना ज्यादा ठंडे एरिया में रहता है उसके ऊपर उतना ज्यादा फर होता है, जो जितना ज्यादा गर्म एरिया में रहेगा उसके शरीर में फर उतना कम होता है। तो फर का काम क्या होता है? उसको ठंड से बचाता है। सिर का भी फर का काम वही है, लेकिन फिर हम लोग क्या करते हैं उसको काट करके उससे ऊन बना लेते हैं। हमारे शरीर में भी हेयर होता है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, इसको एक बार रीड कर लोगे और फिर क्वेश्चन आंसर कर लोगे, ठीक है।